अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पसींदे। तो इसके लिए हमको लेना होगा, ये है फल्ली 2 टेबलस्पून, खोपरे की बट्टी, तो ये साइज़ की खोपरे की बट्टी ले लीजिए और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है हमको, और 2 टेबलस्पून खसखस, 10 से 12 बादाम और 8 से 10 काजू, 1 टेबलस्पून चिरौंजी। और अब हम ये मसालों को भून लेंगे। तो जैसे ये मसाले भुने जाएंगे, इसी के अंदर हम खसखस भी ऐड करके भून लेंगे। तो जैसे ही ये मसाले भुने जाएंगे, हम इसको पीस के बिल्कुल बारीक पीस लेना है, हमको पेस्ट बना लेना है इसका। तो जार में आप थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और इसको पीस के इसका पेस्ट बना लीजिए। और पसींदों में हमको गरम मसाला भी ऐड करना रहता है लास्ट में दम पे, तो उसके लिए हम ये गरम मसाला पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो लौंग, इलायची, दालचीनी, शाहजीरा और जायफल जावित्री को एक साथ में हम करके पीस के इसका पाउडर बना के रख लेंगे। और ये है पसींदे का गोश्त, तो इसके स्लाइसेस इस तरह से रहते, ये देखिए। तो ये 500 ग्राम्स बोनलेस मटन है, आप चाहे तो हड्डी के साथ में भी ले सकते हैं। और इसके अंदर साबित गरम मसाला ऐड कर लेंगे, लौंग, इलायची, दालचीनी, शाहजीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। तो मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए इसके अंदर। दही, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्च, 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे अब हम। 1 ग्लास पानी ऐड करके अब हम इसको कुकर का ढक्कन लगा के गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। और अब यह मटन अच्छे से गल गया, तो हमने इसका कुकर का ढक्कन निकाल लिया है और अब हम इसको एक साइड में रख लेंगे। और अब हम एक भगोने में कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे, 250 ml, 6 से 7 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। तो ये जो प्याज है हमको बिल्कुल बिरयानी के लिए हम जिस तरह से फ्राई करते वैसे ही फ्राई करना है। और अब ये प्याज फ्राई हो गई, तो अब हम इसको निकाल लेंगे तेल के अंदर से। तो एक प्लेट वगैरह में रख दीजिए आप प्याज को फ्राई हो जाने के बाद में। प्याज निकालिए बाद में हम वही तेल में पसींदे का जो गोश्त पका हुआ है वो ऐड कर लेंगे इसके अंदर। ये है भुने हुए मसालों का पीसा हुआ पेस्ट, वो ऐड कर लेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे मसाले डालने के बाद में। तो मसाले ऐड कर लेने के बाद में हम इसको लो हीट पे पका लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए लो हीट पे पकने के लिए रख दिया था, तो ये मसाले अब भुने गए। और इसके अंदर ये तली हुई प्याज क्रश करके डालेंगे हम हाथों से इस तरह से। हरा मसाला ऐड कर लेंगे अब, हरी मिर्च, कोथमीर, पुदीना, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। तो ये वही गरम मसाला पाउडर है जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बना लिया था। और अब हम इसको लो हीट पे पकने के लिए रख देंगे, यानी कि बीच बीच में हम चमचा भी हिलाते जाएंगे, यानी कि भूनते जाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए, हमने 10 से 15 मिनट तक सालन को अच्छे से भून लिया है। ये ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाना जब तक हमको भूनना है सालन को। ये देखिए, कॉर्नर्स पे जिस तरह से ये तेल जमा हो गया, इसी तरह से पसींदों के सालन में तेल जमा हो जाना, तो ये सालन बनके अब तैयार हो गया। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया सालन से हटके, तो ये पसींदे बनके तैयार हो गए। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे,
और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।